साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। इससे कई लोगों की जान समेत कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। शिव के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। वैज्ञानिक जहां इसकी वजह ग्लेशियर का पिघलना बता रहे थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं केदारनाथ से जुड़ी जल प्रलय के बारे में रोचक बातें बताने जा रहा हूं, जो आपको शायद ही पता होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। माँ काली का रौद्र रूप केदारनाथ को शिव के चार धामों में से प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव के दर्शन मात्र से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मगर भोलेनाथ की इस नगरी में आए जल सैलाब को लेकर कई धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। उनके मुताबिक इस प्रलय की वजह काली माँ का रौद्र रूप भी रहा है, धारी माता का विस्थापन। बताया जाता है कि केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का विस्थापन रहा है। दरअसल उत्तराखंड से 15 किलोमीटर दूर कालियासुर नामक स्थान में धारी देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उनकी वहां स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए हुआ है। मगर जून 2013 के दिन सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। धारी देवी के इस विकराल स्वरूप की हकीकत को कई दिग्गजों ने भी माना है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया था। अगर धारी माता का मंदिर विस्थापित नहीं किया जाता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आती। अशुभ मुहूर्त पर खोले कपाट। केदारनाथ में प्रलय का एक अन्य कारण अशुभ मुहूर्त खोले गए कपाट को भी बताया जाता है। कहते हैं कि चार धाम की यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से ही होती है। मगर साल 2013 में कपाट का शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद खोले गए। विद्वानों के अनुसार केदारनाथ में तबाही का ये भी एक कारण रहा है। माँ गंगा का रौद्र रूप। माना जाता है कि धरती के कल्याण के लिए भागीरथी गंगा को लेकर आए थे। उन्हें शिव जी ने धारण किया था, इसीलिए उन्हें देवी गंगा के स्वरूप को बरकरार रखने का वचन दिया था। मगर लगातार गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने गंगा के धैर्य का बाण तोड़ दिया। गंगा को धरती पर उतरना पड़ा शिव जी के कहने पर। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनी है। वह धरती पर नहीं आना चाहती थी, मगर भगवान शिव के आग्रह पर उन्हें धरती पर उतरना पड़ा था। भगवान शिव उनकी मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए माँ गंगा नाराज हो गईं, जिसके चलते गंगा ने अपनी सीमा तोड़ दी। इससे पहले साल 2010 में भी माँ गंगा अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी। उस वक्त ऋषिकेश में आई बाढ़ के चलते परामर्श आश्रम में लगी शिव की विशाल मूर्ति तब बह गई थी। जानकारों के मुताबिक केदारनाथ में आई तबाही की वजह धार्मिक मान्यताओं का कम होना है। उनके अनुसार ज्यादातर लोग केदारनाथ में भक्ति भावना की जगह घूमने के मकसद से आते हैं। कई लोग वहां अनैतिक कार्य भी करते हैं। इससे आहत होकर शिव जी ने विकराल स्वरूप धारण किया था, इसकी वजह से वहां तबाही आई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि केदारनाथ में आए बाढ़ को लेकर वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी कि इसकी वजह ग्लेशियर के एक बड़े टुकड़े का पिघलना है, जिसके चलते केदारनाथ में जल प्रलय आया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।
धन्यवाद।